हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मीशो से साड़ियों का हॉल होने वाला है। आपको जो है मेरे मीशो के साड़ी हॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको हॉल वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो सारी साड़ियां हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में और एकदम पार्टी वेयर हैवी लुक वाली साड़ियां हैं, और ये वाली साड़ियां जो है पहनने में एकदम लाइट वेट है। मीशो से जो सारी साड़ियां हैं मैं पर्सनली पहनती हूँ और फिर आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। अगर अच्छी लगती है तो ही मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। सो गाइस, जो सारी साड़ियां हैं उसकी मैं क्वालिटी बताती हूँ कि ये साड़ियां कैसी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारी साड़ियों का जो है वो मैं हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, कम है, अगर आप हेल्दी बॉडी में है, इसका ब्लाउज कैसा है, साड़ी का कपड़ा कैसा है, सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल्स में बताती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको इस साड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट साड़ी की बात करते हैं तो फर्स्ट साड़ी जो है वो ऑल टाइम फेवरेट जो सबका कलर रहता है ब्लैक, वो कलर में, ब्लैक कलर में होने वाली है। सो गाइस, ऐसा कोई ही इंसान होगा जिसको ब्लैक कलर नहीं पसंद होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली साड़ी है, इसमें जो ऑल ओवर साड़ी में हमें यहाँ पे लखनवी चिकनकारी का जो काम आता है वैसा काम यहाँ पे मिल जाता है वाइट कलर के थ्रेड से। ये वाला जो वर्क है वो मशीन का वर्क है, हैंड वर्क नहीं है, फिर भी ये जो साड़ी है बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला इतना पोर्शन हमें टकिन वाला जो है यहाँ पे प्लेन दिया गया है, और साड़ी का कपड़ा जो है एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, और साड़ी की जो लेंथ है वो भी काफी अच्छी है। अगर आपकी हाइट जो है वो 5.5 है तो भी आप इसे आराम से वेयर कर सकते हैं। सो गाइस, टकिन वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पे हमें ये प्लेन रिसीव होता है, इसमें हमें कोई भी बॉर्डर या फिर कोई भी वर्क यहाँ पे रिसीव नहीं होता है, और साड़ी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल ओवर साड़ी में छोटे छोटे जो है मशीन वर्क व्हाइट कलर के, जैसे चिकनकारी का काम आता है वैसे हमें यहाँ पे बूटे दिए गए हैं, फ्लावर्स की डिजाइन दी गई है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर साड़ी में हमें यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स है वैसे बने हुए दिख जाते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट जो है वो साड़ी का कपड़ा होने वाला है। अगर आप समर में इसको वेयर करना चाहे तो आराम से वेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साड़ी अब यहाँ से पल्ला वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है, तो पल्ला वाले पोर्शन के जो है साइड में हमें यहाँ पे एकदम चौड़ी जो है बॉर्डर दी गई है, और बॉर्डर यहाँ पे हमें कटवर्क के साथ यहाँ पे बॉर्डर दी गई है, और बॉर्डर में साइड में जो है आप देख सकते हैं पीछे जो है व्हाइट कलर का जो है वो पाइपिंग दिया गया है ताकि जो साड़ी जो है एकदम हैवी लुक दे। और आप देख सकते हैं ये वाली साड़ी जो है मुझे 600 अराउंड यहाँ पे रिसीव हो गई थी, और इस साड़ी में आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ब्लैक, वाइट, रेड और लवेंडर, ऐसे कुछ 4-5 कलर्स हैं। आप चाहे, आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो आप दूसरे कलर्स भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए साड़ी की बात करते हैं। तो साड़ी में यहाँ पे ऑल ओवर हमें यहाँ पे पल्ले वाले पोर्शन में एम्ब्रॉयडरी दी गई है, आप देख सकते हैं ये वाला मशीन वर्क एम्ब्रॉयडरी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे रोज और फ्लावर की जो है वो एम्ब्रॉयडरी दी गई है, और साथ में यहाँ पे एकदम पेटल्स वाली जो एम्ब्रॉयडरी आती है वो हमें यहाँ पे रिसीव होती है, और साथ में यहाँ पे इसमें जो है ऑल ओवर साड़ी में यहाँ पे हमें बूटे भी जो है वो रिसीव हो जाते हैं, और ये बाकी जो है इसमें कोई भी सीक्वेंस का और बीट्स का काम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पल्ले वाले पोर्शन में नीचे के साइड भी हमें ऑल ओवर जो है यहाँ पे हमें एम्ब्रॉयडरी जो है वो रिसीव हो जाती है। तो ये वाली साड़ी जो है वो पहनने में एकदम लाइट वेट है, और पहनने के साथ ही आपको एकदम हैवी लुक देने वाली है। गाइस, आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे ऑल ओवर साड़ी में हमें पल्ले वाले पोर्शन में, और ऊपर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है क्लियर हो जाएगा, मैं इसका लुक बुक भी साथ में शेयर कर दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये साड़ी में कहाँ कहाँ वर्क है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपको ये साड़ी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये वाली साड़ी जो है मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये साड़ी पसंद आए तो इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं।
ये वाली साड़ी जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें यहाँ पे रिसीव हो जाती है। किसी और साइट पे भी मैंने ऐसी साड़ी देखी थी बट उसकी प्राइस जो है वो 1000 के ऊपर बता रही थी। तो ये वाली साड़ी जो है अंडर 600 या 700 आपको रिसीव हो जाती है। मीशो में जो है प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके ब्लाउज की बात करते हैं, ब्लाउज जो है हमें यहाँ पे प्लेन दिया गया है, कोई भी इसमें वर्क या फिर कोई भी साड़ी में जैसा वर्क है ऐसा कोई भी वर्क हमें यहाँ पे रिसीव नहीं होता है। ऑनेस्टली मुझे इसका ब्लाउज जो है वो थोड़ा ओके ओके लगा, बिकॉज जो है वो ब्लाउज में थोड़ी तो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे हमें देनी चाहिए थी बट साड़ी थोड़ी हैवी है तो ब्लाउज जो है वो प्लेन ही यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वाला वाइट जो है सिल्क का कपड़ा है, एकदम सॉफ्ट वाला सिल्क आता है वैसा कपड़ा है। अगर आप चाहे तो इसका जो है ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपको इसको स्टिच नहीं करवाना है तो आपके पास कोई भी वाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का ब्लाउज होता है उसके साथ जो है वो ये साड़ी पैरअप कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट साड़ी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट साड़ी यहाँ पे मैंने एक प्रिंट आप बोल सकते हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही थी ऐसी प्रिंट, तो मैंने ये साड़ी ऑर्डर की है। आप देख सकते हैं इसमें जो है वो आई वाली जो पैटर्न आती है ऐसी जो प्रिंट है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर साड़ी में यहाँ पे ऐसी प्रिंट बनी गई है और ये वाली साड़ी जो है इसका कपड़ा जो है सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है एकदम, और इसकी प्लीट्स जो है वो आराम से बन जाती है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है और आप गर्ली लुक चाहते हैं तो ये वाली साड़ी जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर साड़ी में हमें यहाँ पे प्रिंट मिल जाती है और साड़ी जो है एकदम सॉफ्ट वाली साड़ी है। आपको ये पहनने में भी एकदम लाइट वेट है और पहनने के बाद जो है आप इसके साथ कोई भी अच्छा अच्छा लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साड़ी है और ये वाली जो साड़ी का मटेरियल है एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है और आपको बॉडी हगिंग मटेरियल है। इसकी प्लीट्स जो है वो भी आराम से बन जाएगी। ऑल ओवर साड़ी जो है वाइट कलर की है और साथ में इसके साथ जो ये वाली प्रिंट है बहुत ही जो है वो खूबसूरत लगने वाली है। ये वाली साड़ी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है इसलिए मैंने इसको जो है आपके साथ रिव्यू के लिए शेयर किया है। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो ये साड़ी जो है वो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साड़ी, आप देख सकते हैं साड़ी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। बाकी और कुछ इस साड़ी में दिया नहीं गया है, कोई भी प्ले बॉर्डर या फिर कोई भी यहाँ पे वर्क रिसीव नहीं होता है। साड़ी जो है ऑल ओवर साड़ी यहाँ पे प्लेन है। ये वाली साड़ी जो है आप डेली वेयर में भी आराम से वेयर कर सकते हैं। अगर आप डेली वेयर में नहीं वेयर करना चाहते, अगर आप ऑफिस गर्ल्स है तो आप इसको ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गर्ल है तो इसको यार कॉलेज की पार्टी में भी आप एकदम आराम से जो है वो पैरअप कर सकते हैं। ये वाली साड़ी जो है वो मस्ट बाय है और मस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बहुत ही अच्छी साड़ी है। जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और इसका जो कोड भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको साड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस साड़ी को ब्लैक कलर के हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ जो है वो पैरअप करेंगे तो ये साड़ी जो है वो हैवी लुक देगी। अगर आप जो है सिंपल ब्लाउज के साथ इसे पैरअप करेंगे तो आप डेली वेयर में इसे आराम से जो है वो वेयर कर सकते हैं। ये वाली साड़ी जो है एकदम समर अप्रोप्रिएट है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। और अब हम इसके ब्लाउज की बात करते हैं। सो गाइस इसका जो ब्लाउज है वो भी पिछली साड़ी की तरह सेम ही है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मुझे तपेटा सिल्क बस, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कपड़े में। ये वाला जो है थोड़ा हार्ड वाला कपड़ा है और वो वाला जो ब्लाउज था थोड़ा सॉफ्ट था, तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे शाइनिंग दी गई है कपड़े में और ऐसा जो ब्लाउज का कपड़ा जो है वो मुझे रिसीव हुआ है। एकदम प्लेन कपड़ा है, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, साड़ी में जैसा वर्क है वैसा कोई भी वर्क नहीं है, एकदम प्लेन वाला कपड़ा यहाँ पे मुझे दिया गया है। आप देख सकते हैं साड़ी के प्राइस के हिसाब से हम ब्लाउज की बात करें तो ब्लाउज जो है वो कपड़ा काफी अच्छा अगर है। आप चाहे तो इसे जो है स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप स्टिच नहीं करवाना चाहते तो ब्लैक कलर के जो ब्लाउजेज हमारे पास होते हैं मोस्ट ऑफ, तो उस ब्लाउज के साथ भी आप इस साड़ी को जो है वो पैरअप कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट साड़ी जो है वो इसका लुक कुछ ऐसा है। तो ये वाली साड़ी जो है वो ऑल ओवर साड़ी के जो हॉल है उसमें मेरी फेवरेट वाली साड़ी है, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और एक्चुअली इसकी डिलीवरी भी काफी लेट हुई थी इसलिए मैंने जो वीडियो है थोड़ा डिले हो गया था। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो पिंक कलर है बट थोड़ा रस्टी पिंक कलर आता है वैसा पिंक कलर है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये वाला पार्ट जो है वो टक इन वाला पार्ट है और एकदम जो है वो प्लेन यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये टक इन वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे टक इन वाला पोर्शन हमें यहाँ पे प्लेन दिया गया है। अब यहाँ पे साड़ी का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो प्लीट्स वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे प्लीट्स बनाएंगे। तो ऐसे जो है वो फ्लावर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम बेबी पिंक कलर के जो सीक्वेंस के फ्लावर है वैसे बने गए हैं और इसमें जो है दूसरा जो कलर
कलर है वो भी पिंक कलर में है, बट शेड जो है काफ़ी अलग है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पिंक के काफ़ी अलग अलग वेरिएंट के कलर के जो है फ्लावर यहाँ पे मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और 1, 2 और 3 ऐसे लाइनिंग में जो है वो फ्लावर्स यहाँ पे बनाए गए। इस साड़ी को पहनने पे आप बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, ये वेडिंग वेयर और पार्टी वेयर के लिए मस्ट हैव है। सीक्वेंस वाली साड़ी है, जो आप कोई भी सीक्वेंस वाली साड़ी जो है पार्टी वेयर में पहनते हैं बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सो ये सीक्वेंस वर्क जो है आपको कहीं से भी चुभने वाला नहीं, ये वाला सारा वर्क जो है वो नीचे प्लीट्स में आ जाने वाला है और ऊपर आपको चुभे नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं दिया गया है। इसलिए आप प्लीट्स बनाएंगे तो आराम से प्लीट्स भी बन जाएगी। और साड़ी का कपड़ा जो है वो जॉर्जेट का कपड़ा है और एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। अब यहाँ से जो है वो पल्ले वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पल्ला वाला पोर्शन में हमें यहाँ पे एक पीछे जो है वो अच्छी सी डिटेलिंग दी गई है, यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो लेस की बॉर्डर यहाँ पे दी गई है और आप देख सकते हैं कि ऐसे ही जो है वो पाइपिंग यहाँ पे हमें रिसीव हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये साड़ी जो है एकदम प्लीट्स जो है अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आराम से यहाँ पे बन जाने वाली है। सो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है पल्ला वाला पोर्शन है, इसमें आराम से हमें यहाँ पे पाइपिंग जो है वो दी जाती है, तो इससे साड़ी जो है थोड़ा मतलब स्टडी लुक हो जाता है साड़ी का। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें ऑल ओवर पल्ला वाला पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जो ये सीक्वेंस के जो फ्लावर है वो ऑल ओवर पल्ले वाले साड़ी में आ जाते हैं, बाकी तक आपको नीचे नीचे मिलेंगे। और जहाँ से पल्ला वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो ऑल ओवर हमें यहाँ पे जो है सीक्वेंस वर्क वाले जो है फ्लावर मिल जाते हैं। सो गाइज, ये वाली साड़ी जो है वो पार्टी लुक के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अगर आप वेडिंग गेस्ट हैं तो भी इस साड़ी को आराम से वेयर कर सकते हैं, इसके साथ आप कई अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये मस्ट हैव साड़ी है। सो गाइज, ये वाली साड़ी जो है वो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये साड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसको पहनने में अगर आप जो है पार्टी वेयर के लिए कोई भी साड़ी ढूंढ रहे हैं तो अंडर 1000, ये मुझे कुछ 970 या फिर 980 में जो है वो रिसीव हो गई थी, तो अंडर 1000 जो है इतनी अच्छी साड़ी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छी साड़ी यहाँ पे मुझे 1000 में मिल गई है। ये साड़ी का जो लुक है मैं ट्राई ऑन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये साड़ी पहनने के बाद कैसी लगती है। सो गाइस, इस प्राइस में आपको इतनी अच्छी साड़ी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। आप चाहें तो जल्दी से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और इसका लुक बुक भी मैंने साथ में अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको देखने से आइडिया आ जाएगा कि साड़ी पहनने के बाद कैसी लगी। सो गाइस, अब हम इस साड़ी के ब्लाउज की बात करते हैं। तो सो गाइस, ऑल ओवर ब्लाउज के फैब्रिक में हमें यहाँ पे सीक्वेंस का जो वर्क है वो मिल जाता है। ये सीक्वेंस जो है वो पिंक कलर में जो है वो ऐसे शाइनिंग वाले सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो ये वाला ब्लाउज आप स्टिच करवाएंगे तो बहुत ही हैवी वाली साड़ी का जो है पार्टी लुक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज में भी हमें यहाँ पे ऑल ओवर सीक्वेंस का काम दिया गया है और साड़ी में भी हमें यहाँ पे सीक्वेंस के जो है वो फ्लावर मिल जाते हैं। तो ये वाली साड़ी जो है फुल्ली पार्टी लुक आपको देगी। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर साड़ी में हमें यहाँ पे जो है, आप यहाँ से पीछे का और आगे का पोर्शन जो है वो बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा 1 मीटर का कपड़ा जो है यहाँ पे है मुझे रिसीव होता है। ऐसे हैवी ब्लाउजेस जो है अगर आप दूसरी साड़ियों के साथ पेयर अप कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट मैचिंग में तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। और यहाँ पे जो स्लीव्स वाला पोर्शन है हमें यहाँ पे प्लेन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो पोर्शन है उससे आप स्लीव्स बना सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे प्लेन दिया गया है ताकि स्लीव्स में हमें कोई भी चुभे नहीं। अगर आप थोड़े हेल्दी भी है तो भी ये ब्लाउज जो है वो 3/4 स्लीव्स तक आपको आराम से जो है वो स्टिच करवा सकते हैं। सो गाइस, आपको ये सारी साड़ियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारी साड़ियों के कोड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको परचेस करना चाहते हैं तो जाके जो है वो कोड जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको जो भी मैं सारी साड़ियाँ ये दिखाती हूँ उसको मैं जो है वेयर करके आपके साथ लुक बुक भी शेयर करती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये साड़ी मैं पहनती हूँ तो मुझे कैसे लगने है, ये साड़ी का कपड़ा कैसा है और साड़ी की जो है लेंथ कैसी है। आपको ये देख के जो है वो क्लियर हो जाएगा और इसमें जो वर्क है कहाँ कहाँ तक दिया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है मैं पर्टिकुलर सब साड़ियों का जो है लुक बुक साथ में शेयर करती हूँ। सो गाइस, आप ये सारी साड़ियाँ मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो ये जो साड़ियाँ है वो मीशो से कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये साड़ी परचेस करनी है तो मैं इसका जो है रीसेलिंग वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की जो साड़ियों का कलेक्शन है, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप मीशो से कोई पर्टिकुलर साड़ी का जो है वो रिव्यू मेरी तरफ से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पहले वो साड़ी परचेस करूं और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, फिर आपको वो साड़ी परचेस करनी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कोड जो है वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो साड़ी जो है वो मैं परचेस कर लूँ और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, फिर आप वो साड़ी जो है वो परचेस करना।
सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे आपके सपोर्ट से। सो गाइज प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।